हेलो दोस्तों, इस सीरीज़ का ये फोर्थ पार्ट है। इस पार्ट में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैटरी लोकेशन देखेंगे। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसका पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट होता है और उस पॉइंट पे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैलेंस हो रहा है माचिस की तीली पे। ये दो चम्मच है एक दूसरे पे अटकाए हुए और ये माचिस की तीली पे बैलेंस हो रहा है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। उसी तरह हमें प्लेन को एक पॉइंट पे बैलेंस करना है। वो कहाँ करना है वो सब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, हमारे प्लेन का ये फ्रंट पार्ट है, ये टेल सेक्शन है और ये विंग है। तो हमें प्लेन कहाँ पर बैलेंस करना है? हमें प्लेन विंग के लीडिंग एज से 25% और 33% इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा वहाँ पर बैलेंस करना है। हमारे कॉर्ड जो है वो 9 इंचेस है, तो 9 इंचेस का 25% और 9 इंचेस का 33% मेजरमेंट कर लीजिए। यहाँ से 25% और यहाँ से 33% पे मार्किंग करके इसके बीच में जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर आपको प्लेन बैलेंस करना है। वो कैसे करना है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। हमारे प्लेन की कॉर्ड 9 इंच है, उसका 25% आता है 2.25 और 33% आता है 2.97, मतलब 2.5 और 3 इंच के बीच में हमें इसको बैलेंस करना है। आपको याद होगा हमने पहले ही विंग बनाया था, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले मार्क कर लेते हैं। देखिए, विंग मैंने ऐसे उल्टा पकड़ा है, ये फ्रंट साइड है। यहाँ से मैंने इस सेक्शन का जो सेंटर वाला सेक्शन है उसका सेंटर निकाल दिया, ये मार्क कर लिया। यहाँ से यहाँ तक 3 इंच और यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली। उसके बाद लीडिंग एज से 25% यहाँ तक 2.5 इंचेस पे मैंने एक मार्क कर लिया और 33% मतलब 3 इंचेस पे मैंने एक मार्किंग कर ली। यहाँ से भी सेम, मैंने 2.5 इंच और 3 इंच पे मार्किंग कर ली, मतलब हमारा विंग, हमारा प्लेन यहाँ पर बैलेंस होगा। अब इसे कैसे बैलेंस करना है देखते हैं। ये देखिए, मैंने प्लेन को यहाँ पर रबर बैंड से ऐसे अटका दिया है, विंग ये और ये साइड में और पीछे भी। पहले तो मैंने इसका सेंटर निकाला और नीचे जो मैंने सेंटर मार्क किया था वही ऊपर लाइन मैंने खींच के ये साइड में और यहाँ पे मार्किंग कर ली। उसके बाद इस पीस का सेंटर निकाल के वहाँ पर उसको लाइन अप कर दिया। ये देखिए, पहले तो बैटरी को आपको ऐसे कार्डबोर्ड में रैप करना है। उसके बाद मैंने बैटरी को ऐसे टेम्पररी यहाँ पर चिपका दिया है। अब विंग के नीचे जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पर हम नीचे से उंगली रखेंगे और उसको ऊपर उठाएंगे। रॉन्ग है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो बैटरी मुझे आगे लेनी पड़ेगी। देखिए, बैटरी मैंने थोड़ी आगे ले ली है तो इससे अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर आना चाहिए। फिर से करके देखते हैं, इसको ऊपर उठा के देखते हैं। देखिए, हमारा प्लेन इस पॉइंट पे जब बैटरी रहेगी तब बराबर बैलेंस हो रहा है। बैलेंस हो रहा है मतलब वो एकदम सीधा है, पीछे भी नहीं झुका है और आगे भी नहीं झुका है। थोड़ा सा हल्का आगे झुका होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो पीछे झुका हुआ नहीं चाहिए। बैटरी की लोकेशन मिल गई है, बस एग्जैक्टली उसके नीचे मार्किंग कर लीजिए। वहाँ पर बैटरी के लिए एक गड्ढा करके उसमें बैटरी लगा दीजिए।
ये देखिए मैंने अप्रोक्सीमेट मार्किंग कर ली है, ये पार्ट हमको ये काटना पड़ेगा और इसके अंदर हम बैटरी फिट करके टेप से पूरा रैप कर देंगे जिससे बैटरी बाहर नहीं आए, और ये कार्डबोर्ड जो है वैसे ही रहने देंगे। ये देखिए मैंने बैटरी को अंदर फंसा दिया है, अब इसको आप रैप करेंगे, टेप से रैप करेंगे तो बैटरी बाहर नहीं आएगी। अगर ये कॉर्ड देखिए लेंथ कम पड़ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंशन दिया है इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आसानी से जुड़ जाएगी।